कुछ पॉइंट पर प्रेशर देकर क्या हम विटामिन्स की पूर्ति कर सकते हैं अपने शरीर में? चलिए आज इसी को जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम चार विटामिन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें मिलेंगे हमारी नाभि के चारों तरफ। आपको एक इमेज में दिखा रही हूँ, सेंटर में हमारी नाभि है। हमें नाभि से एक थंब विड्थ नीचे जाना है, एक थंब विड्थ नाभि से ऊपर, एक थंब विड्थ राइट साइड और एक थंब विड्थ लेफ्ट साइड। तो आप जब इस इमेज को देखेंगे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नाभि से एक कुन मतलब कि एक थंब विड्थ नीचे जो पॉइंट आ रहा है वो है CV6। इस पॉइंट को ऊर्जा का सागर भी कहा गया है। ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को बेटर करेगा, मजबूत बनाएगा। फीमेल्स में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होंगी और मेल में उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब कि जो मर्दाना शक्ति है वो बढ़ेगी। नाभि से एक कुन ऊपर जो पॉइंट आता है वो है CV9, कंसेप्शन वेसल मरीडियन का 9th पॉइंट। इस पर जब हम प्रेशर देंगे तो ये हमारे शरीर में पानी की बैलेंसिंग करेगा, जल तत्व का नियमन करेगा। जिन लोगों के इस पॉइंट में पेन मिलेगा उन्हें समझ जाना चाहिए कि बॉडी में वाटर पॉइजनिंग है, ऐसा एक्यूप्रेशर में कहा जाता है। तो उन्हें हर दिन अपने इस पॉइंट पर जरूर प्रेशर देना चाहिए। और जब हम अपनी नाभि के लेफ्ट साइड चलेंगे एक थंब विड्थ दूरी पर, वहां पर जब हम प्रेशर देंगे तो जिन लोगों को क्रॉनिक डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इस पॉइंट को शुगर लंप भी कहा जाता है, और इस पर प्रेशर देने से क्रॉनिक डायबिटीज पेशेंट्स को भी रिलीफ मिलेगा। और जब हम नेवल के राइट साइड एक थंब विड्थ पर प्रेशर देंगे तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो नॉर्मल होंगे, हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है वो स्टेरॉइड्स प्रॉपर बनेंगे। जिन लोगों को हर समय भय रहता है, डरे डरे रहते हैं, उनको उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। और ये पॉइंट पर प्रेशर देने से ये हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है उनको सहने की शक्ति देगा। तो ये जो चार पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए, इन सभी पॉइंट्स पर हमें प्रेशर देना है 1 मिनट के लिए और 30-30 सेकंड के गो में। मतलब हमने जब प्रेशर दिया तो हम 30 सेकंड के लिए एक फर्म प्रेशर देंगे, डीप होगा लेकिन बहुत फोर्सफुल नहीं देना है। उसके बाद उस प्रेशर को रिलैक्स करा देंगे, अगेन 30 सेकंड के लिए हम फिर प्रेशर देंगे। और इस तरह से हमें इन चारों पॉइंट्स पर ही प्रेशर देना है। आप चाहें तो इन्हें दिन में 2 बार भी दे सकते हैं और समय होगा खाना खाने के करीबन 1 घंटा बाद हमें इसको करना है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम है जब हम सुबह सोकर उठते हैं उस समय, अभी हम लेटे हुए ही हैं, तभी हमें इन पॉइंट्स पर अच्छे से प्रेशर दे लेना चाहिए। एक बार सुबह और दिन में जिस समय भी आपको लग रहा है आप उस समय भी इन पॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं। आज हमने कुछ मसाज पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। इसी तरह से 400 से भी ज्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स इन बुक्स में दिए हुए हैं। हाथ पर मैंने इमेज पर ट्रीटमेंट लगाकर दिखा दिए हैं, सिंगल पॉइंट ब्योल मैग्नेट की हेल्प से है और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इनको डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आज जो हमने विटामिन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी डे टू डे लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने में। तो आप इन्हें खुद भी यूज कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।